नमस्कार साथियों, आज के स्पेशल वीडियो में हम माउस और कीबोर्ड की सहायता से सिलेक्ट करने के 15 से भी ज्यादा तरीके सीखने वाले हैं, जिनकी मदद से आप अपने काम को और भी आसान और जल्दी कर सकते हैं। सिलेक्शन के इतने सारे जबरदस्त तरीके आपको एक ही वीडियो में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, इसलिए आगे और भी पावरफुल वीडियोस में ला सकूं इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला तरीका है हमारे माउस का जो लेफ्ट क्लिक बटन है, उस बटन का यूज करके आप जहां पर भी चाह रहे हैं वहां पर क्लिक किया और माउस का लेफ्ट क्लिक बटन दबा के रखना है और आपको आगे पीछे दाएं बाएं ड्रैग करते हुए जाना है। जिस तरह से आप राइट राइट जाएंगे तो राइट हैंड साइड एक एक लेटर सिलेक्ट होते जाएगा या डिसलेक्ट होगा, और लेफ्ट हैंड साइड पर जाएंगे तो लेफ्ट साइड पर सिलेक्ट या डिसलेक्ट हो जाएगा। अप या डाउन करेंगे तो एक एक लाइन ऊपर या नीचे सिलेक्ट होने लगेगा। ठीक है, ये पहला तरीका है। इसके बाद कंट्रोल प्लस क्लिक से भी हम सेंटेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब हमने कहीं पर कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करके रखा और कंट्रोल के साथ क्लिक किया तो देखिए ऑन द इंसर्ट टैब से लेकर डॉक्यूमेंट तक का एक पूरा सेंटेंस सिलेक्ट हो गया। किसी और सेंटेंस को सिलेक्ट करना हो तो और कहीं पर आपने क्लिक किया और कंट्रोल के साथ फिर से एक बार क्लिक कर दिया तो पूरा का पूरा सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया। उसके बाद शिफ्ट के साथ अगर क्लिक करते हैं तो जितना भी एरिया हम चाह रहे हैं उतना एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कर्सर यहां पर रखा और शिफ्ट बटन कीबोर्ड से प्रेस किया और क्लिक कर दिया कहीं और, तो देखिए जहां पर कर्सर था वहां से लेकर नेक्स्ट मैंने जहां पर क्लिक किया वहां तक सिलेक्ट हो गया। एक बार फिर से करते हैं, आपने कहीं पर कर्सर रखा क्लिक करके और शिफ्ट के साथ कहीं पर भी क्लिक किया तो देखिए पूरा एरिया सिलेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है किसी वर्ड पर अगर हम डबल क्लिक करते हैं इससे भी एक वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। तो डबल क्लिक करने पर एक वर्ड सिलेक्ट हो रहा है और अगर ट्रिपल क्लिक करते हैं तो एक पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, फिर से करते हैं, डबल क्लिक से एक वर्ड सिलेक्ट हो रहा है और ट्रिपल क्लिक से एक पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट तरीका है हमारे पैराग्राफ के या पेज के लेफ्ट साइड पर जो मार्जिन आपको दिखाई दे रही है उस मार्जिन पर अगर हम क्लिक करेंगे तो एक पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए जिस भी लाइन के लेफ्ट साइड की मार्जिन पर हम क्लिक कर रहे हैं पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाती है, और अगर माउस का बटन दबा के ड्रैग करेंगे तो देखिए एक एक लाइन सिलेक्ट होती जा रही है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम एक बार क्लिक करते हैं तो पूरी लाइन सिलेक्ट हो रही है, डबल क्लिक करते हैं तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो रहा है, और ट्रिपल क्लिक कर देंगे तो पूरा का पूरा मैटर सिलेक्ट हो जाएगा। अब सिलेक्ट करने का नेक्स्ट तरीका है, अगर हम चाहते हैं कि अलग अलग वर्ड्स को सिलेक्ट किया जाए जो अलग अलग लोकेशन पर है, तो इसके लिए कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करके रखना है और अलग अलग वर्ड्स को आप सिलेक्ट करते जाइए। ठीक है, जैसे मुझे हेडिंग्स को सिलेक्ट करना है ताकि मैं सारे हेडिंग्स को एक साथ चेंज कर सकूं, तो सिलेक्ट किया कंट्रोल के साथ, या फिर और भी किसी वर्ड को सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और आपको सिलेक्ट करते जाना है। तो अलग अलग लोकेशन के अलग अलग वर्ड्स को कंट्रोल बटन के साथ में हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर कोई भी चेंज हम करना चाहेंगे तो इन सारे वर्ड्स में ये चेंज एक साथ हो जाएगा क्योंकि सारे वर्ड सिलेक्टेड हैं। इसके बाद अगर एमएस वर्ड में हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो यहां पर एक तरीका और है, होम टैब में जाइए और होम टैब में सबसे लास्ट में आपको मिलता है सिलेक्ट, और सिलेक्ट में मिलेगा सिलेक्ट ऑल, तो सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करते ही हर एक पेज पर जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है सारा का सारा, मतलब कि पूरी वर्ड की फाइल सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, कीबोर्ड से भी सिलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो चलिए एक एक करके सारे तरीके समझते हैं। सबसे पहले तो चार एरो की का यूज करके आपको सही जगह पर चले जाना है जहां से हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, और इसके लिए आप सिंपल सा चार एरो की का यूज करिए या फिर कंट्रोल के साथ चार एरो की। ठीक है, अब शिफ्ट के साथ अगर राइट एरो प्रेस करते हैं तो एक एक लेटर राइट हैंड साइड में सिलेक्ट होगा, और लेफ्ट एरो करेंगे तो सिलेक्शन हटता जाएगा और ऐसे ही दूसरी तरफ सिलेक्ट होने लगेगा एक एक लेटर। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल को अगर साथ में ले लेंगे, मतलब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो अगर यूज करते हैं तो एक एक वर्ड सिलेक्ट होगा, ऐसे ही लेफ्ट एरो का यूज करेंगे तो एक एक वर्ड का सिलेक्शन हटेगा और दूसरी तरफ सिलेक्ट होने लगेगा। इसके बाद शिफ्ट के साथ अगर डाउन 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 एरो की का यूज करेंगे तो एक एक लाइन का सिलेक्शन होगा या डिसलेक्ट भी होगी, डाउन से नीचे सिलेक्शन होता जाएगा और अप एरो की का यूज करेंगे तो ऊपर ऊपर जाएगा सिलेक्शन हटते हुए, या फिर और ऊपर जाने पर ऊपर के साइड सिलेक्शन होगा एक एक लाइन का। अब अगर कंट्रोल को साथ में ले लेंगे तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन से एक एक पैराग्राफ सिलेक्ट होगा या
अप एरो से एक एक पैराग्राफ का सिलेक्शन हटेगा। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन 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 या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप 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 अप, ठीक है। इसके बाद कर्सर हमारा अगर कहीं पर भी होता है, जैसे कि बिल्कुल किसी पैराग्राफ के बिल्कुल बीचों बीच है, तो शिफ्ट के साथ अगर होम की प्रेस करते हैं तो कर्सर के पहले का पूरी पहले की पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। शिफ्ट के साथ एंड प्रेस करेंगे तो शिफ्ट कर्सर के बाद की पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे किसी हेडिंग को सिलेक्ट करना हो और कर्सर हमारा शुरुआत में, तो शिफ्ट के साथ एंड किया पूरी हेडिंग सिलेक्ट हो गई, और अगर कर्सर लास्ट में हो तो शिफ्ट के साथ होम किया पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही कर्सर हमारा कहीं पर भी हो, अगर कंट्रोल को भी साथ ले लिया जाए, मतलब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम करेंगे, तो कर्सर के पहले का पूरा मैटर सिलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंड करेंगे तो कर्सर के बाद का पूरा मैटर सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम, पूरा पैराग्राफ पूरा मैटर सिलेक्ट हो गया है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड, पूरा मैटर सिलेक्ट हो गया है नीचे की तरफ। इसके बाद कर्सर हमारा शुरुआत में रखा हुआ है, शिफ्ट के साथ अगर पेज डाउन करेंगे तो एक पेज जितना पूरा का पूरा मैटर सिलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट के साथ पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन, तो जितनी बार शिफ्ट के साथ पेज डाउन करेंगे एक एक पेज पर आ जाने जितना मैटर सिलेक्ट होता जाएगा। और ऐसे ही शिफ्ट के साथ पेज अप करेंगे तो सिलेक्शन हटता भी जाएगा, ठीक है। शिफ्ट के साथ पेज डाउन से एक एक पेज नीचे 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 सिलेक्ट होगा, शिफ्ट के साथ पेज अप से एक एक पेज का सिलेक्शन वापस हटता जाएगा। ऐसे ही बीच में अगर कहीं पर कर्सर हो और शिफ्ट के साथ पेज अप करेंगे तो ऊपर के साइड पेज सिलेक्ट होते जाएगा, और पेज डाउन करेंगे तो सिलेक्शन पेज का हटता जाएगा। इसके बाद पूरा का पूरा मैटर सिलेक्ट करना हो, मतलब पूरी फाइल को सिलेक्ट करना हो, तो कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट है, पूरी की पूरी फाइल सिलेक्ट हो जाएगी, यानी कि एक फाइल में जितना भी टेक्स्ट है सारा सिलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल प्लस ए से। एमएस वर्ड में सिलेक्ट करने के का एक तरीका और है, कहीं पर भी कर्सर रखा हुआ है, जैसे किसी एक वर्ड पर हमने कर्सर रख दिया है। अब अगला तरीका है एमएस वर्ड में F8 कीबोर्ड से फंक्शन की में F8 बटन है, F8 को एक बार दबाए ये तो कुछ भी नहीं होगा, दोबारा जब प्रेस करेंगे तो एक वर्ड सिलेक्ट होगा, तीसरी बार प्रेस करेंगे तो एक पूरा सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा, चौथी बार प्रेस करेंगे तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट होगा, और पांचवी बार F8 को प्रेस करेंगे तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। तो ये कीबोर्ड से सिलेक्ट करने के सारे तरीके थे। तो साथियों, उम्मीद है आज के वीडियो में आपने कंप्यूटर के जबरदस्त ऑपरेशंस सीखे होंगे। आगे भी ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस आते रहेंगे, लेकिन आप सबके सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए ज्ञान बूस्टर कंप्यूटर शाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तथा समय पर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल को भी एक्टिव कर लें। धन्यवाद।